दोस्तों, हमेशा से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सेलेब्स के किड्स खूब सुर्खियां बटोरते रहे हैं और ये बात आज की नहीं, कई सालों से चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर स्टार किड ग्लैमर की दुनिया में ही रहना पसंद करता है। कुछ स्टार किड्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने न सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूरी बनाए रखी जबकि वो अपने करियर में खूब नाम भी कमा रहे हैं। और दोस्तों, इस लिस्ट में नाम आता है रियल लाइफ के श्रीराम का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर अरुण गोविल के बच्चों का। दोस्तों, क्या आप अरुण गोविल के परिवार के बारे में जानते हैं? अरुण गोविल मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका एक बेटा और एक खूबसूरत बेटी भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरुण गोविल के बेटे क्या करते हैं, साथ ही उनकी बेटी क्या करती है। तो आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1960 को मेरठ में हुआ था। अरुण ने एक्ट्रेस श्रीलेखा से शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हैं और एक बेटा है जिसका नाम अमल गोविल है और एक बेटी है जिसका नाम सोनिका गोविल है। दोस्तों, अमल की शादी हो चुकी है। वो एक कॉर्पोरेट बैंकर हैं। वो मुंबई में अरुण गोविल के साथ ही रहते हैं। वहीं अरुण गोविल की बेटी भी उनके साथ मुंबई में ही रहती है और जॉब करती है। अरुण गोविल की बेटी सोनिका मुंबई में एक निजी कंपनी में बतौर प्लानिंग एग्जीक्यूटिव काम करती है। दोस्तों, अगर बात सोनिका के एजुकेशन के बारे में करें तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की है। बता दें कि सोनिका ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं। वो अक्सर अपनी एक्टिविटीज यहाँ शेयर करती रहती हैं। कई लोगों का ये मानना है और इसके साथ साथ खुद अरुण गोविल भी ये कह चुके हैं कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस समय रामायण सीरियल पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था उस समय अरुण गोविल देश के हर घर में फेमस हो गए थे। उन दिनों को याद करते हुए अरुण गोविल अक्सर बताते हैं कि कई बार लोग उनसे शूटिंग के दौरान आशीर्वाद लेने सेट पर पहुंच जाते थे। यही नहीं, लोग टीवी पर शो शुरू होते ही फूलों की माला चढ़ा देते थे, अगरबत्ती और धूप बत्ती लगाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। उन्हें रामायण के बाद कभी कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया। लोगों ने उन्हें राम से ज्यादा कुछ भी सोचने से इनकार ही कर दिया था और इसी का परिणाम हुआ कि उनकी एक्टिंग का करियर ही खत्म हो गया। रामायण के बाद अरुण गोविल ना तो टीवी पर और ना ही फिल्म में नजर आ पाए। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अरुण गोविल ने रामायण में लक्ष्मण का रोल करने वाले सुनील लहरी के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी जो दूरदर्शन चैनल के लिए कार्यक्रम बनाती थी। दोस्तों, क्या आपको अरुण गोविल की एक्टिंग लाइन में आने की कहानी पता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे मुंबई में बिजनेस करने आया एक लड़का टीवी पर राम बनकर देश भर में पूजा जाने लगा। अरुण गोविल स्कूल के दिनों में नाटकों में पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक्टर बनने का नहीं सोचा था। जब बात करियर की आई तो अरुण मेरठ से मुंबई अपने बिजनेसमैन भाई के साथ कुछ काम सीखने आ गए थे, लेकिन 1977 में उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था पहेली। इस फिल्म के दौरान ही उनकी मुलाकात रामानंद सागर से हुई और उन्होंने विक्रम और बेताल शो में उन्हें राजा विक्रमादित्य का रोल दिया। इसके बाद जब रामानंद सागर ने रामायण बनाने का विचार किया तो उन्हें सबसे पहले अरुण गोविल का चेहरा याद आया। इसी वजह से अरुण को शो में राम बनने का मौका मिला। हालांकि अपने इस इंटरव्यू में अरुण गोविल ये बात बता चुके हैं कि राम का किरदार निभाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इस शो के लिए उन्हें स्मोकिंग भी छोड़नी पड़ी थी और इसी तरह से उन्होंने किरदार को जीना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।